शिक्षा एक समृद्धि और समर्पण का क्षेत्र है जहां समय समय पर बदलाव होता रहता है। आधुनिक युग में छात्रों की आदर्श शिक्षा को बनाए रखने के लिए नए उपायों की भी आवश्यकता होती रहती है। ऐसी ही एक शैक्षणिक संस्था है माइलस्टोन एकेडमी, जहां छात्रों से सीधे संवाद, आत्मनिरीक्षण और सामूहिक सहयोग के माध्यम से शिक्षा दी जाती है। माइलस्टोन एकेडमी में विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान में उच्च स्तर की प्रेरणा को बढ़ावा दिया जाता है। इस एकेडमी में खेल आधारित शिक्षा से छात्रों को समन्वय, टीमवर्क और समस्या समाधान कौशल भी सिखाए जाते हैं, ताकि इसके माध्यम से विद्यार्थी न सिर्फ शैक्षिक गतिविधियों में बल्कि खेल के क्षेत्र में भी अपनी क्षमताओं को सुधारते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर माइलस्टोन की डायरेक्टर श्रीमती ममता शुक्ला ने एसीएन न्यूज से खास बातचीत की है। आइए देखते हैं शिक्षाविद डॉक्टर ममता शुक्ला से हुई बातचीत के खास अंश। नमस्कार दर्शकों, एसीएन न्यूज की इस खास पेशकश एक मुलाकात में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो किसी परिचय की मोहताज नहीं है। स्पष्टवादी और कुशल व्यवहार की धनी, ममता मन में भरी हुई, हजारों बच्चों को शिक्षित करने वाली ये महिला ममता शुक्ला मैडम है, जो की माइलस्टोन स्कूल की डायरेक्टर मैडम है। बहुत मुश्किल से उन्होंने अपना चंद मिनट जो है हमको दिया हुआ है, और हमने सोचा इन चंद मिनट में ही उनकी पूरी दुनिया समेट लें। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैडम, आपका स्वागत है। मैडम, आपसे मेरा सवाल है कि आप इस फील्ड में कब से हैं? एक बेहतर शिक्षा देते हुए आपने हजारों बच्चों को शिक्षित किया है और देश और दुनिया में अपनी सेवाएं आज वो दे रहे हैं, और आज भी मैं देखती हूँ आप नन्हे बच्चों के साथ किस तरह से उनकी एक्टिविटीज में भाग लेती हैं, हर वक्त उनके साथ एक्टिव रहती हैं। इस फील्ड में कब से और कैसा लगता है आपको इस फील्ड में रहना? वैसे तो 1995 से हमने स्कूल शुरू किया था, पर यही मेरा विषय है, इसी विषय की मैंने पढ़ाई की है, तो कब से है कि बात नहीं है, मैं शुरू से ही हूँ, यही मैं एक तरह से कहें यही बढ़ रही हूँ। और बच्चों को मैंने शिक्षित नहीं किया है, उनको मैंने बढ़ते देखा है। शिक्षा तो अपने आप मिल गई उन्हें, उन्हें छोटे छोटे ढाई तीन साल के बच्चों को 12th तक उन्होंने हमारे यहाँ से दिया, तो उनके बढ़ने को, उनके डेवलपमेंट को मैंने विटनेस किया है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे तो बढ़ेंगे ही, वो तो डेवलप होंगे ही, उनके डेवलपमेंट को हम एक सही दिशा दे दें, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। जैसे फील्ड में जाती हूँ, कई जगह मुझे कवरेज करना होता है, इसी दौरान जब स्कूल की चर्चा होती तो मैंने बताया कि माइलस्टोन के बगल में मेरा ऑफिस है, तो उन्होंने बोला अच्छा, वो ममता शुक्ला मैडम वाला स्कूल, और मेरे यहाँ आपका हर कवरेज करा भी जाता है, तो हर एक्टिविटीज में जैसे नैतिक शिक्षा हो, शारीरिक शिक्षा हो, अब बच्चों को किस तरह देती है, क्योंकि हर तरह के एक्टिविटीज में यहाँ पर बच्चों को पारंगत देखा गया है। देखिए, बच्चों का तो सर्वांगीण विकास की बात करनी पड़ती है। जब बच्चा बढ़ रहा है, जब उसका विकास हो रहा है, तो उसका फिजिकल मोटर डेवलपमेंट भी हो रहा है, मानसिक विकास भी हो रहा है, सोशल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो रहा है, और नैतिक विकास भी हो रहा है। तो सभी चीजों पर ध्यान देना पड़ता है, और उन्हें ऐसा माहौल देना पड़ता है जिसमें ये विकास हो। तो हम इसमें कुछ करते नहीं है, बस वो एनवायरमेंट देते हैं, उसमें उनका एक्सपोजर होता है और उनको लर्निंग हो जाती है। जैसे पर्व होते हैं, दीपावली हो, ईद हो, उसमें भी मुझे बाकायदा फुटेज मिलते हैं, मैं देखती हूँ बच्चे मुस्लिम परिधान में हैं, दीपावली में दीपों के दीप जलाते हैं। तो अपने पर्वों के लिए आप जो जागरूक करती हैं, क्या बच्चे में जागरूकता आती है और वो एक दूसरे के साथ सभी पर्वों को मिलकर मनाते हैं? देखिए, पर्व मतलब उत्साह और खुशी, ये सबके अंदर की मांग है कि हम खुश हों, उत्सव मनाएं, तो हम वो स्कूल में मना लेते हैं। बच्चों को एक दूसरे के साथ खुश होना जब वो अच्छा लगता है, उन्हें अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छा लगता है, घर में तो वो बहुत सारा उत्सव मनाते हैं, पर जब अपने फ्रेंड्स के बीच मनाते हैं तो वहाँ उनको लर्निंग हो जाती है, वो बात सीख जाते हैं, वहाँ पर वो सोशल डेवलपमेंट हो जाता है। स्कूल शिक्षा की बात करें तो हम नए आयाम हर दिन आए रहते हैं, लेकिन गुरुकुल ने अपना उसमें पैर जमाया हुआ है, गुरुकुल आज भी पहचाना जाता है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नई शिक्षा नीति जो आई है वो अभी यही इन्हीं सब बातों पर बहुत ध्यान देती है कि बच्चों का दूसरा घर उनका स्कूल होता है, और बच्चे यही विकसित हो रहे हैं। तो जब तक टीचर के लिए प्यार नहीं होगा, जब तक टीचर के लिए इज्जत नहीं होगी, तब तक कैसे वो माहौल कैसे बनेगा? तो हम लोग ये बहुत कोशिश करते हैं कि नर्सरी से लेकर 12th तक बच्चों को इतना प्यार दें और उनको इतनी इज्जत दें कि वो इज्जत करना और प्यार देना सीख जाएं।
राज्य सरकार की जो शिक्षा नीति है उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। अब उस पर इम्प्लीमेंटेशन हम लोगों को करना है, अच्छा ही होगा। मैं बहुत आशान्वित हूँ क्योंकि उसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट लिए गए हैं जो बहुत उचित हैं, तो मैं सोचती हूँ कि बहुत अच्छा रहेगा, अच्छा भविष्य देख रही हूँ मैं। वही दूसरे मामले में अगर हम देखेंगे तो स्कूल शिक्षा को लेकर के जो पूर्व सरकार थी, स्वामी आत्मानंद स्कूल की स्थापना की थी उन्होंने, और वो उस दौरान में काफी एक्टिव थे, लेकिन अभी सरकार बदलने के बाद उनमें थोड़ा सा यानी देख रेख या कुछ अभाव देखा जा रहा है ऐसा क्यों? मैं तो ये कहूंगी कि हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन उसकी पॉलिसी से ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, हम यही ये शिक्षा नीति के साथ भी यही बात है, पिछले के साथ भी यही बात थी कि उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, उसको हम कैसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं देखते हैं। स्कूल शिक्षा वर्तमान में व्यापार व्यवसाय ज्यादा स्वरूप ले ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे? होना ही चाहिए, अंत में तो अपना अपनी जीविका जीनी है, अंत में अपने लिए अपनी लाइवलीहुड को अर्न करना है, तो जरूर उसको वोकेशनल होना चाहिए, उसको जरूर स्किल बेस्ड होना चाहिए, अच्छा है। आप ऑल इंडिया टूर पे रहती हैं, कभी ऐसा कोई मौका आया कि जहां आप पहुंची होंगी और सब बोले होंगे, एकाध आपका वहां पर स्टूडेंट निकले और बोले मैं माइलस्टोन का था या हूं, कैसा लगता है? ऐसा हो जाता है, बहुत बार हो जाता है और बहुत मन को छू जाता है। एक बार मैं फ्लाइट में थी और मेरी पीछे की सीट थी, मेरे बच्चे के सामने की सीट थी, वो मेरे यहाँ से पास आउट था और नई नई नौकरी लगी थी, वो आया मेरे पास और उसके बाद उसने कहा कि आप मेरी सीट पर बैठिए, आप पीछे बैठे और मैं सामने बैठूं ऐसा संभव नहीं है। उस दिन बहुत अच्छा लगा। और ऐसा बहुत बार होता है कि जहाँ मेरे बच्चे आते हैं और मुझे बहुत गौरवान्वित महसूस कराते हैं, अच्छा लगता है। ये सवाल करना तो अतिशयोक्ति होगी कि आप स्कूल में और क्या नया करना चाहेंगे, क्योंकि आप आए दिन हर दिन स्कूल की में डायरेक्टर रहते हुए हर दिन एक्टिविटीज में आप बच्चों को पारंगत करती हैं, इसलिए सवाल तो मेरा यहीं पर रुकता है। नहीं, फिर भी पानी बह रहा है, कभी भी कोई चीज पुरानी नई नहीं रहती, हर दिन नई रहती है। जैसे पानी का बहना नया है, वैसे ही शिक्षा में नए नए प्रयोग भी नए हैं, तो कभी कोई चीज ऐसी नहीं होती बस हो गया, इससे आगे कुछ नहीं। जैसे आज एक नाइट स्टे है बच्चों के लिए, नाइट कैंप है, वो किस तरह का कैंप है, बच्चों को में कितना उत्सुकता रहती है इस कैंप को लेकर? देखिए, हमारे दोनों बच्चों के लिए अलग अलग कैंप होता है, नर्सरी के और सीनियर बच्चों के लिए। सीनियर बच्चे तो 24 घंटे रहते हैं, रात भर हमारे पास रहते हैं, पर इन बच्चों को हम 10-11 बजे दे देते हैं। यहाँ बिल्कुल फेरी टेल जैसा एक माहौल होगा और ऐसा लगेगा कि परियों की दुनिया आ गई है, और बच्चे उसमें हमारे पास 10-11 बजे रहते हैं, बहुत उन्हें अच्छा लगता है, उनके पेरेंट उन्हें 11 बजे लेने आते हैं, हम कहानियां सुनाते हैं, परियां आती हैं, बन के परी आती हैं, यहाँ डेकोरेशन भी होती है, डिनर करते हैं हमारे साथ, मॉल विजिट के लिए भी जाएंगे, अच्छा रहता है, पेरेंट्स को भी अच्छा लगता है, बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है। दिगर स्कूलों में, कुछ स्कूलों में इसका अभाव देखा जाता है, वो बच्चों की शिक्षा को कम और एक तरह कह सकें कि वसूली पे ज्यादा ध्यान देते हैं, ऐसे स्कूल के लिए क्या कहना चाहेंगे? ज्यादातर से देखने को मिलता है, दिन आंदोलन भी होते हैं। मुझे अपने बारे में बात करनी चाहिए, मैं कैसा करती हूँ, मैं ऐसा कैसा कर सकती हूँ और मुझे कैसा करना चाहिए। मैं दूसरे को देखूंगी तो कैसे बनेगा, अर्जुन को अपनी आंख, वो मछली की आंख पर अपनी नजर रखनी चाहिए, तो मैं क्या कर सकती हूँ मैं यही देखती हूँ। एसी न्यूज के दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, मैं कहूंगी कि माइलस्टोन एक अनुभव है, ये स्कूल के साथ साथ एक एक्सपीरियंस है। मैं सोचती हूँ कि इस ट्विन सिटी को एक एक बच्चे को ये अनुभव होना चाहिए। मुझे अब ऐसा लगता है कि जो यहाँ नहीं आ रहा वो जरूर कुछ मिस कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम आपका हमको कीमती समय देने के लिए। थैंक यू। तो ये थी डायरेक्टर मैडम माइलस्टोन स्कूल की ममता शुक्ला मैडम, ये किसी परिचय की मोहताज नहीं, इन्होंने कहा माइलस्टोन स्कूल में पढ़ने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और वाकई में मेरे ऑफिस के चंद कदमों की दूरी पर ये स्कूल है, और आए दिन यहाँ पर एक ऐसा हर्ष का माहौल होता है, बच्चों में इतनी खुशी होती है, पालकों में इतनी खुशी होती है, जो मैं खुद देखती भी हूँ। तो लगातार हमारे साथ एक मुलाकात में बनी रही और देखती रही एसीएन न्यूज़। नमस्कार।